हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले विंगवाल के हवाले से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये चीज़ें, ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, उसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि जब भी आप कोई कलवर्ट्स वगैरह बनाते हैं तो काइंडली उसकी विंगवाल उसी टाइम बनाया करें, ना कि फिलिंग एरिया के बाद बनाएँ। फिल करने के बाद यही सूरत हाल होता है जो हम अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाएँगे। दोस्तों, ये एक बॉक्स कलवर्ट थी, ये हमने बनाई थी, ठीक है। तो अभी इसकी विंगवाल बनानी है। तो विंगवाल दोस्तों, ये ऊपर मेन कैरिज हुई है, इससे नीचे हाइट कोई तकरीबन 30 मीटर डेप्थ के अंदर ये कलवर्ट बनी हुई थी, ठीक है। फिल एरिया ज़्यादा था। तो दोस्तों, इसकी एक्सीवेशन विंगवाल की है, तो नीचे अभी पानी जो है वो सिपेज वाटर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसको इंतहाई मुश्किल अभी हमें दरपेश आ रही है, क्योंकि ये बनाना मुश्किल है, क्योंकि अभी मिट्टी को साइड पे करते हैं तो नीचे पानी आ जाता है, अभी पानी को साइड पे करेंगे तो अगला दिन आ जाता है, तो फिर पानी जब हम वापसी आते हैं तो पानी आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि जब भी कलवर्ट्स बने तो विंगवाल काइंडली उसको साथ ही बनाया करें। अभी ये सीन आप देख रहे हैं बड़ा डेंजरस है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काम को कोई 2-3 दफ़ा करना पड़ता है। थैंक यू।